हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडमी नोट 10 प्रो 5G स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ गाइस, इस बार आपको रेडमी की ओर से फर्स्ट बजट 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको मीडियाटेक 1000 का चिपसेट देखने को मिलने वाला है। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर रहने वाला है और इसमें आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप जिसमें प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का रहने वाला है, इसी के साथ और भी काफ़ी सारी बेटर स्पेक्स के साथ ये स्मार्टफोन आएगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके कंफर्म स्पेसिफिकेशंस और प्राइस रेंज के बारे में और कब तक ये स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही लेटेस्ट टेक वीडियोज़ के लिए। सो गाइस, सबसे पहले बात करें इसकी डिस्प्ले को लेकर, तो यहाँ पर 6.5 इंच की एक फुल HD रेजोल्यूशन वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और इसी के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। Xiaomi की ओर से यहाँ पर एक न्यू पेटेंट फाइल किया गया है जिसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मैकेनिज्म देखने को मिल जाता है, तो इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो पेटेंट आपको Redmi Note 10 Pro 5G का ही देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, बात करें इसकी परफॉर्मेंस को लेकर, तो यहाँ पर MediaTek की ओर से Dimensity 1000 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो कि एक पावरफुल प्रोसेसर रहने वाला है। सो गाइस, इसी तरह Dimensity का ही आपको एक प्रोसेसर देखने को मिला था Redmi 8 Pro में। अगर हम बात करें इसके बैक कैमरा सेटअप को लेकर, तो यहाँ पर क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जैसा डिज़ाइन आपको सिमिलर देखने को मिलता है Redmi Note 9 सीरीज़ में, ऐसा ही डिजाइन Redmi Note 10 Pro 5G स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ Sony IMX686 के साथ प्राइमरी सेंसर आने वाला है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। बात करें फ्रंट सेल्फी कैमरा की, तो 32 मेगापिक्सल का एक पॉपअप सेल्फी कैमरा मैकेनिज्म इस स्मार्टफोन में मिलने वाला है जिससे आप बहुत ही अच्छी सेल्फी उसको क्लिक कर पाएंगे। अगर बात करें इसकी बैटरी कैपेसिटी को लेकर, तो 5000 मिली एम्पायर की बैटरी कैपेसिटी के साथ 33 वॉट के फास्ट चार्जर सपोर्ट के साथ रेडमी नोट 10 प्रो 5G स्मार्टफोन आने वाला है। इसी के साथ बात करें इसके कुछ अदर फीचर्स की, तो 3.5 mm हेडफोन जैक, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर, टाइप सी पोर्ट, एंड्रॉयड 10 के साथ MIUI 12 का सपोर्ट। सो गाइस, अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग को लेकर, तो ये स्मार्टफोन बजट सेगमेंट में आने वाला है, इसीलिए ये स्मार्टफोन 17,000 से लेकर 20,000 के अराउंड इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो ये स्मार्टफोन चाइना में अगस्त से लेकर सितंबर तक लॉन्च होने वाला है और इसी के 2 या 3 महीने के बाद ये आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, मैं इस स्मार्टफोन के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ और ये स्मार्टफोन अगर इन सभी स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है तो मैं डेफिनेटली इसको परचेज करके आपके लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर लाऊंगा। तो गाइस, अगर आपको ये स्मार्टफोन की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की किसी भी स्मार्टफोन और टेक्निकल अपडेट से जुड़ी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।